Pindi Express has left the station. Assalamualaikum, welcome to the YouTube channel. हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग, the greatest batsman as an opener ever for India. और वीरू, आपको कुछ आपने कहते हैं? वीरू, आप 46 पे आउट, ऑल आउट में. पाकिस्तान 3 साल बाद टेस्ट मैच जीता है. आपने टेस्ट मैच देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हुआ? क्या कभी कभी इंडिया को मैं कहूँगा कि 46 रन का आउट हुआ है जरूर. वो फर्स्ट डे में जो टॉस जीत के शायद वो गलत डिसीजन था बैटिंग करने का. वो बैटिंग भी की तो शायद उस अंदाज में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा समय लेकर करते. बट ऐसा होता है टेस्ट क्रिकेट में, आप अच्छे खेलते आ रहे हो और सडनली एक कोलैप्स जरूर होता है. बट उम्मीद है कि अभी इंडिया टेस्ट मैच में जिंदा है, अभी वो वापसी कर सकता है. अगर कल अच्छा दिन गया भारत का तो जरूर कमबैक कर सकता है. चले आप झूठ मत बोले, उम्मीद तो रख सकते हैं. नहीं जरूरी नहीं, उम्मीद रख सकते हैं. नहीं नहीं, बात पाकिस्तान की तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था जब नहीं इतना सीरियस नहीं होना यार. जैसे YouTube चैनल बनाया था मैं तो बोलता मैं उत्तर पर ये सब चीजें बोलता ही नहीं, मैं इतना सीरियस होता ही नहीं. अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, अभी पाकिस्तान पे तो आने थे. हाँ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ. बांग्लादेश से एक दूसरे को बैक नहीं कर रहे हैं वो, शायद वो शायद होने लगे पाकिस्तान में. शायद पाकिस्तान एक डेंजरस टीम है जो किसी को भी हरा सकती है. उम्मीद करता हूँ कि अब इंग्लैंड को हराया है तो आगे ऐसे ही और टेस्ट क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेलेगी तो किसी को भी हरा. देखिए इंडिया अपनी होम सीरीज का एडवांटेज तो लेना चाहिए था. एडवांटेज देख ये तो अभी तो बैंगलोर में ऐसा हो जाता है कि बारिश आती है तो कई बार थंडरस्टॉर्म आता है तो जिसकी बदौलत पूरे दिन मैच नहीं, वो पूरे दिन कवर डले रहे, पानी गिरा रहा, तो उसकी बदौलत मैं हैरान था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग तो शायद अगर फील्डिंग करते तो जो हम सरिस्ता होते तो शायद न्यूजीलैंड वो भी जल्दी आउट होती तो अभी इंडिया मजबूत होती. बट ऐसा होता है टीम मैच सीरीज है तो कम बैक करने का मौका है. एक और दो टेस्ट मैच की सीरीज होती तो शायद ये हारते और अगला जीतते तो ड्रॉ हो जाती सीरीज. लेकिन अभी मुझे लग रहा है 2-1 हो जाएगा. उम्मीद मैं तो ये चाहूंगा 0 हो, मैं ये चाहूंगा 3-0 हो जाएगा. बट ये है ना, मुझे लगता है कि इंडिया एडवांटेज लेगा इस चीज का और अपने होम सीरीज एडवांटेज लेने कब नहीं है. बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल. आई थिंक रविंद्रा के बारे में आप क्या कहते हैं यार? लेफ्ट हैंडर जो है इंडिया का. उसने मैच आप बेहतर बता सकते हो. बाबर आजम क्या गलती कर रहा है? मुझे तो मैं बैटिंग बारे में ज्यादा जानता नहीं, प्लांटेड होके ना स्क्वायर हो जाता है, खुल जाता है, स्लिपें लग रही हैं, उसको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको. क्या करें? देखिए मैं तो ये क्या करें, मैं टेक्निक तो मैं खुद मेरी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके बारे में जनरली बात करूं. लेकिन मुझे लगता है कि जब खराब दौर आता है बल्लेबाज का तो उसका माइंडसेट खराब होता है, उसकी शॉट सिलेक्शन खराब होती है, जो शायद मुझे बाबर आजम में देखने का नजर आ रहा है. क्योंकि कभी जब एक टीम के कप्तान थे, कप्तानी से हट गए हो और आपको जो पहले आपसे उम्मीदें थी वो अब उम्मीदें कम हो रही हैं, तो शायद वो मेंटली ज्यादा इफेक्ट हुए हैं रादर देन टेक्निक वाइज. आई थिंक मुझे लगता है उन्हें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कम बैक करनी पड़ेगी. गुड प्लेयर और जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कम बैक जल्दी करते हैं. उम्मीद यही है कि बाबर आजम वापस पाकिस्तान टीम में आएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे. कभी कभी होता है कि बड़े प्लेयर को एक आध मैच के लिए, एक सीरीज के लिए बाहर कर दो, लेकिन जब वो वापस आता है तो शायद उससे भी बेहतर बन के आता है. आप भी ड्रॉप हुए थे यार जी, मैं 2006-07 में ड्रॉप. आप मेरे साथ बैठे हुए बाहर, वीरू मेरे साथ बैठे हुए थे बाहर, तो मैं रविंद्र सहवाग से पूछ रहा था, मैं कहा आप बाहर क्यों बैठे हुए? तो कहते यार मुझे नहीं पता. मैंने कहा यार आप अंदर होते तो हम बाहर होते. रीजन वाई कि ही इज द मैच विनर, और ये बात सच है कि वीरू वॉज द मैच विनर. क्योंकि दुनिया में जितने भी हिंदुस्तान मैच जीते 2002-03 के बाद, इसकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन सचिन तो खैर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ना, तो क्या बात करें यार. नहीं कभी कभी होता है बड़े प्लेयरों के साथ वो रन नहीं बनते, वो मेंटली शायद चैलेंज रहता है. तो बाबर आजम के लिए एक अच्छा झटका है कि जब वो वापस जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और कमबैक करेंगे. एडवाइस क्या करेंगे आप? मैं कहूँगा अभी थोड़े टाइम के लिए क्रिकेट से दूर रहें,
जस्ट मेंटली अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादातर इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ मेंटली जो टफ होते हैं, जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज्यादा सक्सेस पाते हैं। तो आई थिंक मेंटली थोड़ा दूर रहें क्रिकेट से, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं, और फिर उसका जब वापस आएंगे प्रैक्टिस करके, मुझे लगता है कि फिर से वो आप जब ड्रॉप हुए थे इंडिया टीम से? मैं जब ड्रॉप हुआ था मैंने सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, आप मैं बॉलिंग करूँ, आप गाने गा रहे हैं, दुनिया आप क्या करते रहते थे, आप जिस रोड गाने गाते रहते थे, कभी शोरदा गाते थे, कभी आप ये कर रहे थे, आप प्रेशर ही लेते थे, ये माइंडसेट आप क्या आप राजी कर सकते हैं बच्चों में, आप ये बता सकते हो आप यार? नहीं, मैं क्यों करता था, मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते थे, थॉट्स आते थे नेगेटिव पॉजिटिव, कि हाँ मारूंगा वहाँ मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बैटिंग करने जा रहा था, तो गलती करता था। तो गाने गाने का एक बढ़िया वो फायदा क्या है कि आपको गाने की लिरिक्स पता होती है, माइंड आपकी लिरिक्स पे ध्यान दे रहा है, आप आंखों से बोल देते हो, बॉल को प्रेजेंट में रहकर खेल रहे हो, मारने की तो मारते हो, रोकने की तो रोकते हो, छोड़ने की छोड़ते हो। मैं इसलिए गाने भी बना रहा हूँ ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूँ और नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स ना। आई थिंक बहुत हमारे एक वसीम जाफर खिलाड़ी थे, वो नमाज पढ़ते थे, बहुत सारे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, बहुत सारे गुरु की गुरबाणी गाते हैं, खेलते रहते हैं, वो कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे मेरे बच्चे वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट, वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट बोलते रहते हैं ताकि वो प्रेजेंट रहे, तो वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगेन टू बी सक्सेसफुल बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट, आप तो बहुत सक्सेसफुल रहे, और लोग ये कहते थे शुरू में कि आप तो चले नहीं पाएंगे, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, आप नहीं बना पाओगे, वी गो ऑन टू स्कोर 1000 रन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग आप दुनिया की खेली, आप वो क्या चीज़ बताना चाहोगे बच्चों को, बैट्समैन को, आपको यार ये कर लो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एक चीज़ आप बताओ। देखिए सेल्फ बिलीव से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, दुनिया आप पे भरोसा करे ना करे, लेकिन आपको खुद पे भरोसा ना चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ रन बनाऊँगा और मैं कर सकता हूँ। जब तक वो आपके मन में नहीं आएगा तब तक शायद सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है और कुछ नहीं है। अगर मेंटली स्ट्रांग हो, टफ हो, रेडी हो बैटल के लिए, तो आपको सक्सेस। बट यू वॉच द बॉल राइट? नहीं, वो तो है, देखो वो तो हर खिलाड़ी का है, वो तो बच्चे हर बॉल देख रहे तभी तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बट मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है कि आपको खुद पे भरोसा है कि ये बॉल जो मैंने देखी है मैं इसको मार सकता हूँ, ये बॉल को मैं छोड़ सकता हूँ, ये रोक सकता हूँ, तो वो अपने ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मैं इस जगह पर बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना बिलोंग करता हूँ, मेरी जगह। जब तक वो बिलीव नहीं आएगी तब ये बिलीव कब आया था? उससे पहले मैंने 40-50 वनडे खेले थे, तब तक ये बिलीव नहीं था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ। जिस दिन मौका मिला, खेला, रन बनाया, उस दिन वो बिलीव स्टार्ट हुई कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ। वहां से पहला सपना था कि एक टेस्ट खेलना, फिर सपना चेंज हुआ कि मुझे 100 टेस्ट मैच खेलना। आई थिंक कोई भी बच्चे को ये सोचते हैं मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, वो एक सपना है। एक मैच खेल के बाहर हो गए तो दूसरा सपना क्या है, मुझे 100 मैच खेलने हैं, 150 खेलने हैं, 200 खेलने हैं। जस्ट मुझे ये बताइए, टेक्निकली इज द मोस्ट करेक्ट बैट्समैन यू हैव सीन? देखिए टेक्निक का तो कोई मतलब ही नहीं, मैं खुद टेक्निक में तो भरोसा नहीं करता, आपको रन बना देते हैं वो कर रहा है, उसने जो दोहरा शतक बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, शतक बनाया था, बहुत तेज बनाया था, अटैकिंग खेलता है, दूसरी टीम के गेंदबाजों को प्रेशर में डाल रहा था, तो वो एक गुड प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए। आनंद What do you see the future of Kohli? जब ये खेलेंगे 40 साल तक, जब वो चाहेंगे तो वो रिटायर होंगे, एक फेज है उस फेज से गुजरना होगा, उस फेज हमने सिकली में असेंबली करीब रन बनाए तो गेम कम बैक होने का आपको नजर आएगा। जो आप मुझे बताइए कि बैट्समैन के लिए जमीन क्या मुश्किल रहती है? आप फिटनेस नहीं है सर, क्या हो गया सर, उनकी फिटनेस माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समय होता है कभी आपका टाइम खराब चल रहा होता है, उस टाइम को सबको निकालना होता है, वो कोई से फिटनेस आप तक इंटेल बच्चों को दिया था कि बच्चे सीख लें लेटेस्ट बैट्समैन entire world as well. When this one, there are guys who's gone on who's trashed us today, like as anything. Seekh lo inse, maza aayega aapko, kaam aayega. Thank you very much. Express has left the station, that's for sure.